हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, फिर से दो हफ्ते बाद मैं एक और पावरफुल स्ट्रेटजी लेके आया हूं जो कि ऑप्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है। आपको ऑलरेडी मैंने एक ऑप्शंस की नो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटजी दे चुका हूं, उसका पावरफुल वर्जन, उसका सेकेंड वर्जन जो वीकली ट्रेड करेंगे। ये एक तरह से वीकली स्ट्रेटजी है, यानी कि आपको मैक्स टू मैक्स 5 दिन की होल्डिंग रखनी है। 5 दिन में आपको एमटीएम पता चल जाएगा। और मैं अगेन बोल रहा हूं 400% प्लस मंथली स्ट्रेटजी है। गाइस, बहुत सारे लोग प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये एक मेरा पावरफुल स्ट्रेटजी था, मैं खुद जो यूज करता था पर्सनली, लेकिन आप लोगों को प्यार देख के मैं खुद मेल्ट हो गया हूं और आप लोगों के लिए मैं स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूं। तो ये लगा लो मेरे जो पर्सनल पिटारा है स्ट्रेटजीज का, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी इन ऑप्शंस। वेरी सिंपल, सिर्फ एक छोटा सा पैरामीटर है। आइए मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं वीडियो की तरफ, आप खुद देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हैशटैग लर्न विद किंग टाइप करके बताइएगा। चलिए आज ही गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटजी पार्ट टू। यानी कि पार्ट वन मैंने आपको ऑलरेडी दिया, दैट इज प्योर इंट्राडे। जिन लोगों ने वो स्ट्रेटजी नहीं देखा है पहले, गाइस वो पार्ट वन मेरा जरूर देख लेना, ऑप्शन स्ट्रेटजी का नो लॉस 500% प्रॉफिट स्ट्रेटजी, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। लिंक ऊपर देखिए, एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे वो लिंक मिल जाएगा, राइट। तो ये जो स्ट्रैटेजी है प्योर बेस्ड ऑन वीकली स्ट्रैटेजी, यानी कि मैं बात करना चाहता हूं अगर हमने एंट्री ली तो मैक्स टू मैक्स आपको वीकली वेट करना है, एक हफ्ते तक के लिए होल्ड करना है, यानी कि वीकली ट्रेड स्ट्रैटेजी है ये, ओके। तो इस स्ट्रैटेजी में जैसे कि ओनली फॉर द स्टॉक ऑप्शंस, यहां पे सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस में काम करेंगे, इंडेक्स के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है। नो लॉस ऑप्शन स्ट्रैटेजी पार्ट टू, यानी कि कॉल बाई करेंगे या पुट बाई करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल बाई करेंगे, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो पुट बाई करेंगे, ओके। सो ये जो स्ट्रैटेजी है टोटली बेस्ड ऑन वन RSI टूल, जैसे कि आप सबका फेवरेट इंडिकेटर, जो आप लोग इंडिकेटर खेलते हो, मैं भी आपको एक अपना इंडिकेटर अपने लॉजिक के साथ आपको देना चाहता हूं। RSI का प्योर गेम, RSI कौन सा, मैं अब ये नहीं बताऊंगा RSI होता क्या है मेरे भाई, मैं आपको डायरेक्ट कैसे लगाते हैं वो बता दूंगा, बाकी आप देख लेना, मैं थोड़ा सा एडवांस सिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे RSI की अगर मैं बात करूं, RSI का सिर्फ एक लेवल मैं यूज करता हूं, 60 का लेवल, यानी कि ऊपर एक लेवल आएगा वो सिर्फ 60 का लेवल आएगा। अगर 60 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, कॉल को बाई करने का सोचेंगे, अगर नीचे की ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो पुट को बाई करने का सोचेंगे, सिंपल। अब थोड़ा सा उसमें चीजें मैं ऐड करता चले जाता हूं। ये देखिए आपके सामने चार्ट है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ध्यान से समझना भाई, आराम से समझना, बहुत सिंपल है। नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है तो यहां पे हम कॉल को बाई करने का सोचेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो हम यहां पे पुट बाई करने का सोचेंगे, फिर कॉल बाई करने का सोचेंगे, फिर पुट बाई करने का सोचेंगे। बट इंपॉर्टेंट इज ओनली यू कैन यूज 60 का लेवल, जो 60 का ओवरबॉट या फिर नीचे जो लेवल्स होते हैं बस 60 का हम यूज करेंगे, 60 के ऊपर बाई, 60 के नीचे सेल, राइट। वेरी सिंपल RSI, नो कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी सिंपल इंडिकेटर। अब क्या बाई करेंगे, कैसे बाई करेंगे वो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, ओके। तो रूल नंबर वन, ध्यान से समझना, बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है, भगाना नहीं है गाइस, आप लोगों का प्यार, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी व्हाट आई एम हैविंग अपने पिटारे में से, जस्ट आप लोगों के प्यार की वजह से दे रहा हूं भाई, ध्यान से समझो। व्हेन RSI मूव्स लोअर टू हायर, कहां बाई करना है, फिर वहीं पे बाई करना है, 60 का लेवल, हम यानी कि हमें सिर्फ CE यानी कि कॉल सेलेक्ट करना है। पुट में सेम केस, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर। अब रूल नंबर वन का, यानी कि अगर हम बाई करेंगे 60 के ऊपर जाएगा, बाई करेंगे तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे, सपोज करो दिस इज 60 का लेवल,
अब प्राइस इसके नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो हमें तो यहाँ पे बाई करना है, जैसे मैंने बताया कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे वो ध्यान से समझना मेरे भाई। व्हेन आरएसआई मूव लोअर, ये सेम कंडीशन है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आया तो बाई करने का सोचेंगे, एंड क्लोज अबव 60 देन सिलेक्ट कॉल। सपोज फॉर एग्जाम्पल टीसीएस की बात कर रहा हूं, टीसीएस स्टॉक की बात कर रहा हूं, अगर टीसीएस डेली चार्ट क्लोज, कौन सा टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम यूज करना है, नो छोटा मोटा, सिर्फ डेली की बात कर रहा हूं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में टीसीएस का प्राइस क्लोज होता है 500 रुपीज के आसपास एंड उसके साथ जो आरएसआई है ऑल्सो क्लोज अबव 60, 60 के ऊपर क्लोज हो जाता है, यानी कि हमने देखा आरएसआई पर्टिकुलर टीसीएस में ऊपर 60 के ऊपर क्लोज हो गया है और उसका प्राइस 500 पे क्लोज है, यानी कि आज मान लो मार्केट फ्राइडे का है, फ्राइडे को हमारा क्लोज हो गया मार्केट, रात को बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं कौन कौन सा स्टॉक आरएसआई के ऊपर है, एनालिसिस कर लिया 500 का प्राइस है, अब कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज करना है, दैट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन मार्क जो आप लोगों को नहीं पता होता, ज्यादातर लोगों की स्ट्राइक प्राइस कौन सा यूज करें, इन द मनी करें, आउट द मनी करें या फिर एट द मनी करें। तो भाई कुछ नहीं, वेरी सिंपल, हम यहाँ पे बाई करेंगे, कैलकुलेशन दे दिया, भूल जाओ क्या लॉजिक होता है, थीटा डेल्टा गामा सब भूल जाओ, यहाँ पे मैं आपको प्योर लॉजिक दे रहा हूँ। 500 रुपीज का हमारा उसका टीसीएस का प्राइस था जो क्लोज हुआ था रात को, मतलब 3:30 बजे, 500 प्लस 5% ऊपर, यानी कि 500 का 5% 25 होता है, यानी कि 525 का जो कॉल होगा वो स्ट्राइक प्राइस हम यूज करेंगे, उसको हम लोग बाई करने का सोचेंगे, कौन सा कॉल बाई करेंगे, कब बाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। स्ट्राइक प्राइस समझ में आया, अब कब बाई करेंगे वो ध्यान से समझो, वही वाला लॉजिक, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ अगर आता है, नीचे से अगर ऊपर की तरफ आता है तो बाई, ठीक है। अब एंट्री रूल समझ लेना, एंट्री रूल समझ लेना, बहुत सिंपल है, बाई व्हेन इन नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स क्रॉस द हाई। सपोज करो, एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो एक कैंडल आपका, हमने ये पिछला बनता आ रहा था डेली चार्ट का है, ओके, और नीचे जो इंडिकेटर है आरएसआई वाला, आरएसआई भी इसके ऊपर क्लोज हो गया है, राइट, और आपको इसके हाई के ऊपर बाई करना है, इसके हाई के ऊपर जब प्राइस जाएगा तब आपको बाई करने का सोचना है, कौन सा, क्या बाई करना है, फ्यूचर कैश बाई नहीं करना है, आपको जो भी ये जो हाई बना था, यानी कि सपोज करो ये 500 का हाई है टीसीएस का, तो ये जो 500 प्लस 5% ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस यूज करेंगे 525 का, यानी कि 525 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो भी प्रीमियम रेट पे मिलेगा वो कब बाई करेंगे, जब ये अपने हाई को नेक्स्ट कैंडल या सेकेंड कैंडल, कब, 2 से 1 कैंडल में ब्रेक कर दे, तुरंत कैंडल सेकेंड डे में ब्रेक, फर्स्ट डे मतलब ये बनेगा फर्स्ट तुरंत ब्रेक कर दे, या फिर सेकेंड कैंडल में ब्रेक करे, या फिर थर्ड कैंडल में ब्रेक करे, इन नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स में ब्रेक हो जाना चाहिए हाई का, देन पावरफुल है। 2-3 दिन से ज्यादा वेट कर गया, यानी कि उसका जो पावर था 60 के ऊपर का वो आपका खत्म हो गया पावर। मैं यहाँ पे मोमेंटम प्ले करना चाहता हूँ, सिंपल सा ध्यान रखना, अगर कोई चीज उसके ऊपर जा रही है कुछ पावरफुल है, इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी कुछ थोड़ा सा यही रिलेशन मैंने बताया था आपको, राइट, और आपको रिजल्ट भी दिखाया था 300-500% का रिटर्न 3-4 साल में आपको, राइट। सो एग्जिट रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ कब ये एंट्री मिल गई, कब आपको एग्जिट करना है, इसके 2 रूल है। पहला, अगर वो स्टॉक मान लो 500 रुपए पे हाई था, 500 के ऊपर 5-7% की मूव हो जाए, यानी कि 500 रुपए का स्टॉक है उसमें 5-7% की मूव हो जाए, यानी कि 25-30 रुपए की उसमें मूव हो जाए, आप अपनी पोजीशन जो कॉल में आपने बाय किया था प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और अगर नहीं हुआ है, मैक्स टू मैक्स पहले जैसे बताया 7 दिन तक आपको होल्ड करना है, 7वें दिन अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए, हो सकता है लॉस हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है प्रॉफिट हो, हम तुरंत पोजीशन को अपनी एग्जिट कर लेंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है आपको पता होना चाहिए एंट्री परफेक्ट लेवल पे, और आपको पता होना चाहिए एग्जिट परफेक्ट लेवल पे। दिक्कत यही आती है, आप कुछ भी एंट्री तो ले लेते हो, एग्जिट करने का मंत्र नहीं पता है, ये रूल ध्यान रख लो, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से बना है भाई। अब मैं रूल नंबर 2 यानी कि पुट की बात करूंगा कि पुट में कैसे एंट्री लेनी है, पुट कैसे बाई करने है। हम यहाँ पे सेल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाई की कर रहे हैं, चाहे तो कॉल भी बाई करेंगे चाहे पुट भी बाई करेंगे। तो अब पुट की एंट्री मैं बताता हूँ भाई। सपोज करो ये आरएसआई का
कौन सा लेवल मैंने बताया इंपॉर्टेंट, 60 का लेवल है और प्राइस RSI को 60 के लेवल को ऐसे ब्रेक करती है। और इससे पहले मान लो एक कैंडल्स ऐसे बन रहे थे और देखो ये प्राइस यहाँ पे आया और आपने देखा, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस करना है, पूरा रात आपके पास बैठी है अगले दिन ट्रेड लेने के लिए, बहुत सारा टाइम स्टॉक सिलेक्शन के लिए मिलता है। जो लोग जॉब करते हैं भाई उनके लिए भी बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी, जो लोग टाइम नहीं दे पाते उनके लिए पावरफुल स्ट्रैटेजी है, हाउस वाइफ है उनके लिए पावरफुल स्ट्रैटेजी है, और जो मेरे सबसे चहेते जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। सर किसी पर डिपेंड नहीं होना, खुद पैसा बनाओ, और अगर आप पैसा बनाओगे आपको हर कोई पूछेगा, सिंपल सा लॉजिक है भाई, ठीक है। तो अब यहां पे मान लो ये प्राइस 500 का था, RSI आ गया, आपने सेलेक्ट कर लिया ये प्राइस 500 का था, तो 500 माइनस 5% तो क्या आ गया 25, तो 500 माइनस 25 इज इक्वल टू, यहां पे मैंने आपको दिया है ये देखो भाई कितना आ गया 475 का आपको पुट बाई करना है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको चूज करना सिखा दिया, जिनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है 475 का पुट आपको बाई करना है। कब बाई करना है आ जाओ, जैसे ही ये लो अगले दिन टूटेगा, अगले दिन या फिर मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन के अंदर टूटेगा आपको एंट्री लेनी है, अगर नहीं टूटा उसको इग्नोर कर देना है, उसको छोड़ देना है, ओके। अब इसमें टारगेट की बात कर लूं, इफ स्टॉक्स मूव 5-7% देन बुक योर प्रॉफिट, यानी कि भाई दिमाग लगाओ, जो मैंने आपको एक दूर का यानी कि आउट द मनी का मैंने काम कराया था, अब आउट द मनी धीरे धीरे इन द मनी की तरफ जा रहा है, क्योंकि 5% दूर का मैंने काम कराया और 5% स्टॉक प्राइस उसके नीचे आ गया और गिर गया, तो यानी कि उसके क्लोज आ गया, तो प्रीमियम और जल्दी से बढ़ेगा, आपको पूरा बेनिफिट होगा एट द मनी, और हो सकता है इन द मनी का भी पूरा बेनिफिट मिलेगा, जो ऑप्शंस को समझते हैं, है कि नहीं पावरफुल, सोचो राइट। और दूसरा रूल, अगर 5-7% ये हो सकता है 2% हो सकता है 3% की मूव आए, तो भाई आपको डरना नहीं है, होल्ड टिल 7 days मैक्स टू मैक्स, 7वें दिन अपनी पोजिशन क्लोज करके एग्जिट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दिमाग नहीं लगाना, दिस इज अ एग्जिट रूल। आपको मैंने एक यूट्यूब में निफ्टी का चक्रव्यूह वीडियो बनाया है, अगेन आई बटन में जाके चेक कर लेना किस तरह से सब लोग चक्रव्यूह में घुस जाते हैं, बाहर कोई नहीं निकल पाता, उसका छोटा सा लॉजिक दिया है, प्लीज वो साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजी में साइकोलॉजी से काम करता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी तो है प्लस उसमें जो 60% मार्केट में साइकोलॉजी होती है वो लगा दिया, तो लाइव झिंगा लगा। वार्निंग देना चाहता हूँ मेरे भाई, नेवर मेक बिग पोजिशंस मैक्सिमम 2 lots पर कॉल, एक लॉट में आप ट्रेड करो, और अगर आप ज्यादा ही जीनियस हो गए समझते कर लूंगा मैं, मैक्स टू मैक्स 2 lots, चाहे कितने बड़े इमारती हो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हो, मेरी बात ध्यान से समझना, टेक ऑलवेज स्मॉल रिस्क इन स्टार्टिंग लेवल, स्टार्ट फ्रॉम 1 lot फॉर नेक्स्ट 2 months, एक लॉट ही मैं कह रहा हूं 2 महीने, आगे के आने वाले 2 महीने तक इस पर प्रैक्टिस करो, एक ही लॉट पे काम करो, आई कैन गिव यू द लॉजिक बॉस, आई कैन एश्योर यू मोर देन 500% इन दिस स्ट्रैटेजी यू विल गेट। इंट्राडे आपको पता है, इंट्राडे जो स्ट्रैटेजी नो लॉस ऑप्शंस के दी है, एक ही दिन में 20-25-30-40% हमें मिल रहा है, 100% एक सिंगल ट्रेड में मिल जाता है, तो सोचो 22 दिन बचे हैं मेरे भाई, ये भी उसी तरह से पावरफुल है, ओके। नाउ मैं आपको ले चलता हूं कैसे अप्लाई करना है और कैसे वहां पे लॉजिक लगाना है, और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे हमको एग्जांपल्स देखने हैं, ओके। सो गाइस सिंपल सा लॉजिक है, मैंने ट्रेडिंग व्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है, किसी को पैसा नहीं देना, यहाँ पे आप फ्री में अपना अकाउंट बना लीजिए, और मैं यहाँ पे FX यानी कि इंडिकेटर पे क्लिक करूंगा, FX में लिखूंगा यहाँ पे RSI, सिंपल RSI जो सबसे देखो ये वाला आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, और मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाना चाहूंगा मेरे भाई, आप यहाँ पे इसको सेटिंग में जाके 60 का चेंज कर लेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने लगाया 60 का, ठीक है, और इसको कर दिया 0 का, जो 30 का या 20 का लेवल लोअर बैंड पे यूज करते हो, मैं सिर्फ अपर बैंड यूज करूंगा 60 का, और इस 60 के ऊपर काम करूंगा, बाकी सब मेरे लिए नेग्लिजिबल है, मेरे को देखना ही नहीं है तो मेरे को लगाना भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया और ओके दबा दिया और हो गया काम खत्म,
राइट। अब देखो जब जब प्राइस आपका ऊपर मिलेगा तब तब आपको काम करना है, जब जब नहीं मिलेगा तब तक आपको काम नहीं करना है। अब देखो यहां पे प्राइस को देखो, इस जगह पे आप देखो, जब आपने यहां पे जब ये आरएसआई ऊपर गया, जब ये प्राइस ऊपर गया तो देखो इसने यहां पे क्रॉसओवर किया। अब हमें कब बाई करना था, इसके हाई के ऊपर आएगा तो बाई करना था, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस करना था, 2034। इसका हाई देखो, इसका हाई है 2032, तो 20 × 20 का 5% आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो 20 का मतलब 2000 का सॉरी ओके, तो 2020 का 5% ओके डिवाइड बाय 100, कितने पॉइंट्स आया, 101 पॉइंट्स, प्लस स्ट्राइक प्राइस, प्राइस क्या था 2020, यानी कि 2120 का जो स्ट्राइक प्राइस है हम वो बाई कर लेंगे। और कई बार आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, 10 रुपए पर या 5 रुपए पर या 5 निपर है, वो अपने हिसाब से सेट कर लेना भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली सेट कर दो। यानी कि हम 2100 रुपए के आसपास, 2120 रुपए के आसपास का, 2120 के आसपास का हम कॉल बाई करने का सोचेंगे। कब, जब ये हाई जो RSI हमने देखा था ये अगर हाई टूटेगा तब हम उस स्ट्राइक प्राइस को बाई करेंगे। मेरे भाई मैंने क्या बताया, 2 से 3 दिन के अंदर उसको क्रॉस करना चाहिए, हाई टूटना चाहिए तभी बाई करें, अगर नहीं करता है उस कॉल को हम लोग तुरंत इग्नोर कर देंगे। राइट, समझ में आया। अच्छा दूसरा लॉजिक, अब जब ये इसके नीचे आएगा, जैसे ये इसके नीचे आएगा, अब ऊपर तो गया नहीं तो कॉल तो बाई नहीं किया, लेकिन जैसे ये कैंडल नीचे की तरफ बनाया हम इस लो के नीचे पुट को बाई कर लेंगे। क्या इसके नीचे 2 दिन के आया, नहीं आया, अगर आता तो बिंदास उसको पुट को बाई कर लेंगे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस, इस रेट से जो लो है 1920 का आसपास का जो लो है, माइनस 5% का जो रेट आएगा वो हम कैलकुलेट करके वो स्ट्राइक प्राइस का हम लोग पुट बाई कर लेंगे। ओके, अब मैं आपको यहां पे लगाना कैसे वो सिखा दिया, अब मैं लेके चलता हूं आपको अपनी बैक टेस्ट पे, देखते हैं किन स्टॉक्स में काम करा नहीं करा। और गाइस ध्यान रहे, ये उन्हीं स्टॉक्स के अंदर काम करेगा जिसमें जो स्प्रेड होता है, आस्क और बिड के अंदर जो स्प्रेड होता है जिसमें कम है, ये सिर्फ उसमें काम करेगा, नहीं तो ऑप्शंस का पूरा गेम स्प्रेड के अंदर ही खत्म हो जाता है। पता नहीं जो नए होंगे उनको नहीं आइडिया होगा, जो पुराने होंगे उनको पता होगा ट्रेडिंग की दुनिया का ये जो स्प्रेड का कितना बड़ा रोल होता है। राइट, तो वो जो स्टॉक सिलेक्शन है, नो नीड टू वरी अबाउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना, वहां पे मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना स्टॉक सिलेक्शन दे दूंगा, उन्हीं स्टॉक्स के अंदर इसको अप्लाई करना है, इसके अलावा किसी में मत करना, फिर बाद में नहीं बोलना ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करी। ओके, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं बैक टेस्ट पे। तो देखिए सर, रिजल्ट आपके सामने है, हियर वी सेलेक्ट पुट, वाई दिमाग लगाओ, हियर वी सेलेक्ट कॉल, वाई दिमाग लगाओ। भाई सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, 60 का जो अपर बैंड है RSI के ऊपर, जैसे ये क्रॉस करेगा, देखो इस कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया है ना, अगर अगले दिन आएगा तो इस कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया, पहले स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन के अंदर क्रॉस करेगा तो हमें बाई करना है। देखो इसने अगले ही दिन ये जो हाई था, इस हाई को हमने क्रॉस करवाया, अब इस हाई का जो स्ट्राइक प्राइस था वो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हाई 254 का हाई था, प्लस 5% यानी कि 265 का कॉल हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ये क्रॉस करेगा नेक्स्ट डे, डेली चार्ट में जैसे ही ये क्रॉस करेगा 265 का कॉल का जो भी प्रीमियम चलेगा आप वहां पे बाई कर लोगे। मैक्स टू मैक्स आपको वेट करना है 1 हफ्ते का, और एल्स जिस हाई से आपने बाई किया है यानी कि 254 से 5 से 7% की मूवमेंट आ जाएगी, अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। और दूसरा मेथड, मैक्स टू मैक्स अगर नहीं आता है, मैक्स टू मैक्स आप 6 से 7 दिन का वेट करोगे, उसके बाद पोजीशन को 7 दिन अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लोगे। और रिजल्ट देखो भाई, 254 से मेड हाई, आप बताओ 254 से मेड हाई, और 7 दिन में आपको प्रॉफिट बुक करना था, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन, छठा दिन और सातवां दिन। देखो सातवां दिन ऑलमोस्ट प्राइस टॉप पे ही था मेरे भाई, तो 254 से 263 के आसपास चल रहा है, 10 रुपए ऊपर है, तो इसमें भी आपको फायदा हुआ है। अच्छा अब हम इसमें पुट में कब बाई करेंगे, देखो इसी में आया एंट्री, देखो भाई RSI नीचे 60 के ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ आया,
ये कैंडल था, इसके लो के नीचे अगले दिन हम अगर ब्रेक करेगा तो पुट बाई करेंगे, कौन सा पुट स्ट्राइक प्राइस का -5% कर देंगे, जो भी लो है वहां से इस कैंडल का जो लो है इससे -5% कर देंगे, आपको यहां पे एंट्री लेनी थी। ओके, एंट्री आपने ली, बराबर क्लियर। एंट्री लेते ही साथ आप देखो धीरे 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 अगर 5-7% की मूव आई प्रॉफिट बुक करो, और एल्स अगर मूव नहीं आई है 6-7 दिन हो गया है तो 6-7वें दिन आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, और आप देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और सातवां दिन आपकी पोजीशन यहीं पे क्लोज हो गई है। अगेन यहां से 10 रुपए की मूवमेंट नीचे की दे चुका है। अब आप खुद लगाओ, 250 रुपीज का स्टॉक है, 10 रुपए की मूवमेंट आई है, अब आप परसेंटेज कैलकुलेट करो, क्या ये 5% आ चुकी है? आ चुकी है दोस्त, प्रॉफिट हिट पहले बुक कर चुके हो, है ना मजे की स्ट्रेटेजी। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो मेरे भाई एसीसी का चार्ट है, मैं लेके आया हूं आप लोगों के पास। देखो भाई, देखो देखो देखो, आरएसआई यहां पे क्रॉस ओवर हुआ, देखो टॉप पे बिल्कुल यहां पे क्रॉस ओवर हुआ, इस लो के नीचे हमें पुट बाई करना था, कौन सा सेलेक्ट पुलू पुट, सेलेक्ट पुट बिलो कैंडल 5%, जो लो था उसके नीचे 5% का जो स्ट्राइक प्राइस आएगा वो वाला आपको पुट सेलेक्ट करना था। 2-3 दिन में ही आपको रिजल्ट परफॉर्मेंस पता चल गया है, देखो आरएसआई ने फिर यहां पे क्रॉसओवर दिया, इस हाई के ऊपर आपको बाई करना था, अगेन 3 ही दिन हुए हैं, एसीसी का रिजल्ट आपको दिख जाएगा, लाइव चार्ट में लेके आया हूं, आप खुद बताना कैसा रहा परफॉर्मेंस। ओके, अब मैं बात करूंगा तीसरा स्टॉक सिलेक्शन अदानी एंटरप्राइजेस का। भाई देखो अदानी एंटरप्राइजेस में भी यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे एंट्रीज मिली है। अब देखो जब ये क्रॉस ओवर हुआ तो ऑब्वियसली बात है इस हाई के ऊपर आप एंट्री लोगे, हाई के ऊपर एंट्री ली, 5% की मूव आएगी, आराम से 5% की मूव आई है, प्रॉफिट बुक हो चुका है कॉल में। और जैसे ही आपने यहां पे भी देखो इसका हाई के ऊपर आया, 5% की मूव इसने भी दे दी है, ये भी प्रॉफिट आ चुका है। अब देखो पुट की बात करूं, भाई पुट ने तो पता नहीं कितना दिया है, बट रूल इज रूल, 5% 7% मिले एग्जिट, और 7वें दिन ऑटोमेटिकली एग्जिट, रूल इज रूल, रूल को कोई नहीं तोड़ेगा, अगर आप रूल तोड़ोगे मार्केट आपको बाय डिफॉल्ट पनिशमेंट दे देगा, क्योंकि मैं कई बार रूल तोड़ के सीखा हूं तो अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाना चाह रहा हूं, सीख लो मेरे भाई। कोई ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, फ्री में शेयर कर रहा है, 1 रुपए नहीं चार्ज कर रहा है, एक ही पॉइंट से, क्या किसी एडवाइजर को पैसे नहीं देने, किसी भी टिप्स वाले को पैसे नहीं देने, किसी भी पीएमएस वाले को अपना अकाउंट नहीं देना है, खुद सीखना है, खुद पैसा बनाना है और दुआ में किंग रिसर्च हैरी को याद रखना है। ओके, अब देखो कॉल यहां पे हुआ भाई, बूम बूम बूम। ओके, अब पुट यहां पे हुआ, रिजल्ट भाई खुद लगाओ, देखो यहां पे हुआ था, क्या यहां पे काम करना है नहीं करना है, इसके हाई के ऊपर जाएगा तो करना था, हाई के ऊपर तो गया ही नहीं, नीचे ही चले गया ना। अब ये देखो कॉल में फिर से आया, यस हाई अब इसने तोड़ दिया है, तो इसको वेट करो, अंबुजा सीमेंट लाइव चार्ट पे लेके आया हूं, ये देखो भाई बजाज फिनसेवर का, बजाज फाइनेंस का आपके सामने है, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज का है, देखो वंडरफुल ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी किस तरह से वीकली बेसिस पे काम कर रही है। सर बिलीव मी, अगेन बोल रहा हूं, नो टेक्निकल एनालिसिस, प्योर गेम ऑफ साइकोलॉजी, प्योर गेम ऑफ सिंपल स्ट्रैटेजी विद आरएसआई इंडिकेटर। हम वो नहीं जो किताब में पढ़ा हुआ हम पढ़ाते हैं, है ना कुछ लॉजिक, है ना कुछ मजेदार, कहीं है मार्केट में? लोग बोलते हैं कि सर अरे मेरे भाई अभी तो मैंने ये स्ट्रैटेजी मैं नहीं देने वाला था आप लोगों को, ट्रस्ट मी, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के एक दिन में 100K व्यूज, माइंड ब्लोइंग, 10,000 लाइक, माइंड ब्लोइंग, राइट। देखिए बजाज फाइनेंस देखिए आपके सामने, बालाकृष्ण इंडस्ट्री दिए पावरफुल स्ट्रेटजी, बायोकॉन देखिए, सिप्ला देखिए, आप देखिए कहां पे नहीं करना है, मैंने वो कट मार्क लगाया, कहां पे करना है वो कट मार्क लगाया, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये देखिए आप यहां पे कर सकते थे बाइंग में भी और सेल में भी, मतलब बाइंग भी पुट भी बाई कर सकते थे, सेल कॉल भी बाई कर सकते थे। डॉक्टर रेड्डी को आप देख लीजिए, वो भी आपके सामने है, एस्कॉर्ट देख लीजिए भाई, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया सर, जब देगा ना छप्पर फाड़ के दे देगा। फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल,
बहुत सारे लोगों के माइंड में पता है क्या क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमारे एंट्री लेते नीचे आ गया तो, अरे मेरे भाई नीचे आ गया तो आपको तुरंत एग्जिट कर लेना है क्योंकि RSI भी नीचे आ गया है, राइट, RSI भी नीचे आ जाएगा तुरंत के तुरंत, तुरंत एग्जिट कर लेना और पुट में बैठ जाना है आपको। देखिए ये देखिए यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है, यहाँ पे करना है, आप खुद डेट और टाइम सब कुछ मेंशन है, आप खुद जाके बैकटेस्ट करिए, अपनी परफॉर्मेंस देखिए, खुद लगाइए इसको। गाइस एक नहीं दो नहीं, मैं तो 30-30 एग्जांपल लेके आया हूँ, ये सारे एग्जांपल आप खुद देख सकते हो, राइट। ये देखिए मेहनत लगती है स्ट्रैटेजी बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि रात को उठे, रात को सोए और सुबह उठे और सीधे स्ट्रैटेजी बना के दे दिया। गाइस बस अगेन बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है मेहनत करो, मेहनत से बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती, नेवर एवर। आज कोशिश करोगे एक घंटा रोज दे दो मेरे भाई, रिजल्ट प्रॉफिट आपके सामने होगा, अपने आप आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और फिर किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आए और आपको लग रहा है कि हाँ यार वाकई में दम है, तो गाइस इस वीडियो को वायरल कर डालो, क्योंकि इसका जो पार्ट टू देने वाला हूँ, सॉरी क्योंकि इसका जो पार्ट थ्री देने वाला हूँ वो भी दिलचस्प है, वो भी पावरफुल है, और साथ में मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की भी पावरफुल 3-4 स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ, 3-4 पार्ट में लेके आने वाला हूँ। बस एक ही चीज चाहिए, ऑप्शंस, नो लॉस ऑप्शन स्ट्रैटेजी पार्ट वन, उसको भी देखो पहले, उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को देखो, ये दोनों स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और दोनों स्ट्रैटेजी को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो, जो लोग बोलते हैं कि ऑप्शन से पैसा नहीं बना सकते, हम लोग हार जाते हैं, 10-20-50,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, मेरे भाई लगा लो इसको और फिर बताना किंग रिसर्च आपके साथ है कि नहीं है, ओके। चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, और गाइस एक ही रिक्वेस्ट, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि उनके वजह से आप जो भी हो तो प्लीज़ उनका ध्यान बिल्कुल रखिए, और करंट टाइम में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है माँ बाप का ध्यान रखने के लिए, सेवा करने के लिए। गाइस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, जब तक बहुत ज़्यादा जरूरत ना पड़े घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि आप सेफ हैं तो हम सेफ हैं, हम सब सेफ हैं तो हमारा भारत और हमारा वर्ल्ड सब सेफ है। जय हिंद। सुनार की। थैंक यू।